नमस्कार, कैसन बा? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवी सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। इस वीडियो में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में बात करेंगे और आप कैसे इस ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं और सुरक्षा के लिए आपको कौन कौन से नियम यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी संपूर्ण देश में लॉकडाउन 2.2 चल रहा है, यानी कि 2.2 अब अंतिम पड़ाव पर है 3 मई 2020 तक, और 4 मई 2020 से लॉकडाउन 3 शुरू होगा। तो इस दौरान जो है, जो हमारे लेबर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, उसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुविधा जो है वो शुरू सरकार ने कर दी है। जी हाँ, और ये जो है शुरुआत में देखिए इन 6 जगहों के लिए है। सबसे पहला है लिंगमपली टू हटिया, उसके बाद है अलुवा टू भुवनेश्वर, नासिक टू लखनऊ, नासिक टू भोपाल, जयपुर टू पटना, और कोटा से हटिया। हटिया यानी कि झारखंड, यानी इसको कह सकते हैं राजस्थान से ये झारखंड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि अब आप कैसे जाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए जो कुछ बातें हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले जब आप जाइएगा अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे, तो सबसे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं, यानी कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ पाए जाते हैं, तो ही आपको यात्रा करने के लिए अलाउ गवर्नमेंट करेगी, अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। और देखिए, कुछ बसेस भी चलाए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बसेस शैल बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, द बसेस विल बी सैनिटाइज एंड सेल्फ फॉलो सेफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन सीटिंग। तो देखिए, आमतौर पे जो बसेस में हम लोग बैठते हैं बिल्कुल सट सट के, वैसे नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना होगा। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आमतौर पे एक बॉगी में 1 से 72 सीटें होती है बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 54 सीटें रखी गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल बर्थ है वो हटा दिया गया है। नॉर्मली एक बॉगी में 3 बर्थ होते हैं, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ, तो यहाँ पे सिर्फ अपर बर्थ और लोअर बर्थ का ही प्रावधान रखा गया है। और उसके अलावा जो है वो सारे के सारे नॉर्म जो कि कोविड-19 के लिए जारी किए गए, जैसे सैनिटाइजेशन और सेफ, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चार्ज आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बस आप जिस स्टेट के भी हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार में आए हुए हैं और अगर आप उड़ीसा के हैं, तो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट के पोर्टल पे माइग्रेंट वर्कर्स नामक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। तो देखिए, सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट का जो है वो खोल रखा है। आप जिस भी गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ पे आपको एक पोर्टल मिलेगा, इसी तरह का सारा पोर्टल होता है, भरना उसी तरह से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ यह भरना आपको कैसे है। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बाय कैसे आप सेल्फ कर रहे हैं, लोकल कॉन्टैक्ट GNPO या WNO से कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर। तो देखिए, कैटेगरी यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, माइग्रेंट वर्कर है, अदर प्रोफेशनल है, या फिर कोई अन्य है, उसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको नाम भरना होगा, यहाँ पे आपको एज भरनी होगी अपनी, यहाँ पे जेंडर भरना होगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आधार नंबर। देखिए, आधार नंबर आपको मैंडेटरी है कि आपको भरना ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट लोकेशन, आप अभी कहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार में हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार या मान लीजिए कोई भी स्टेट, सपोज़ जैसे मान लीजिए यहाँ मैं अगर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ राजस्थान के बाद आपको यहाँ पे इसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पे आपको सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर स्टेइंग विथ यू एंड वांट टू कम बैक टू उड़ीसा। तो जैसे मान लीजिए आपके साथ, जैसे आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है, या मान लीजिए आप अकेले ही हैं, तब तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हैं। और अगर फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेम्बर्स का भी आपको डिटेल्स भरना होगा कि उड़ीसा में वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, यहाँ वार्ड नंबर, यहाँ पे विलेज, यहाँ पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन। जैसे मान लीजिए आप जिसके भी यहाँ जाइएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप जाहिर सी बात है अपने माता पिता के यहाँ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको उनका नाम और यहाँ पर उनका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो है वो डालना होगा। तो उसके बाद आपको ये जो दो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ दोनों को टिक करना होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इज एक्यूरेट एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम अवेयर
व्हेन आई ट्रेवल बैक टू उड़ीसा आई हैव टू अंडरगो ए मैंडेटरी 14 डेज क्वारंटाइन। कहने का मतलब आपको 14 दिन का क्वारंटाइन तो फॉलो तब भी करना ही होगा। इस बात के लिए आप एकदम तैयार रहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है, और उसके बाद आपको उसके बाद कुछ डिटेल्स आपके मोबाइल पे भेजे जाएंगे, और फिर वो डिटेल्स लेके आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठ के आराम से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन नॉर्म्स को आपको फॉलो करना होगा। तो ऐसा ही फॉर्म सब स्टेट्स का रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव लिंक होगी हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बीबीवी सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय।